हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। मैथ्स पास्ट बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को जानने की हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक एंड प्रोग्रेस का क्वेश्चन है। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 -62। ये आप सीबीएसई 2009 की बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन था। यहाँ पे मिडल टर्म कौन से हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको किसके बारे में मालूम होना कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आप पहले आपको देख लो कि आपके पास ए फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ पे क्या है ए वन ए टू, तो क्या करोगे 7 माइनस ए टू क्या है 7, 7 माइनस 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस 3 आंसर मिलेगा, डिफरेंस माइनस 3 है। बाद में ए एन या तो लास्ट टर्म क्या ए एन इज इक्वल टू माइनस 62 है, तो यहाँ पे एन मिल जाएगा। ओके, एन फाइंड आउट करते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी। ओके, ए एन कितना है माइनस 62 है, इज इक्वल टू ए कितना है 10 है, एन माइनस प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी कि फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस कितना है माइनस 3। यहाँ पे 10 है वो सामने की साइड जाएगा, तो क्या करो माइनस 10 होगा, माइनस 62 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एन करोगे तो माइनस 3 एन होगा, और 3 इंटू 3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 भी सामने की साइड, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 62 माइनस 10 तो माइनस माइनस 72, और प्लस 3 है वो इस साइड आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 एन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस 3 एन, तो माइनस माइनस साइन दोनों साइड है, माइनस साइन है तो क्या होगा माइनस साइन प्लस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या होगा 75/3, यानी कि कितना होगा एन यानी कि 9 15 मिलेगा, तो 15 का मिडल टर्म क्या होगा, मिडल टर्म इज 8, क्या होगा मिडल टर्म इज इक्वल टू 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ दैट 1 प्लस एन, तो क्या है 1 प्लस एन करोगे तो 16/2 करोगे तो क्या मिलेगा 16/2 यानी कि कितना मिलेगा 8, मिडल टर्म क्या है 8 है। ओके, तो यहाँ पे इसको करते हैं ए 8 फाइंड आउट कर देना पड़ेगा, क्या है मिडल टर्म 8 है कि मिडल टर्म इज ए 8, मिडल टर्म इज ए 8 क्या हो गया 8 इज इक्वल टू ए 8 इज इक्वल टू, हमने एक बार फॉर्मूला पुट की कर दिया इसलिए डायरेक्टली पुट करते हैं, एक 10 है माइन प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 डिफरेंस है आपके पास माइनस 3। ओके, तो 10 माइन प्लस 8 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा 7 इंटू माइनस 3, 7 3 जा 21, तो 10 माइनस 21 करोगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस 11 आंसर मिलेगा, ये 8 इज इक्वल टू कितना आंसर मिल रहा है 11 आंसर मिल रहा है। ओके, ऐसे जो बोर्ड के क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन और नए नए क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और यहाँ पे हम आपको जो बहुत फ्री जो इनोवेटिव आइडिया के साथ जो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं, इसलिए हमारे चैनल के वीडियो नए नए जो वीडियो है नए नए जो टर्म्स है जो उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, और जो बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर दो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।